के सामने रहा हूँ, क्या कहेंगे? देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में आज भी पूर्व सैनिक यहाँ पहुंचे, हजारों की तादाद में महिलाओं के सम्मेलन हो रहे हैं और आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी लहर की तरह आज युवा वेव है और हिमाचल प्रदेश में जो इसमें कांग्रेस की सरकार है लोग उससे तंग आ चुके हैं, मुख्यमंत्री तानाशाह बन गए हैं, जिन्होंने एमएलए को ही जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिसको कहते हैं कि पूरी तरह जो है वो लोग जो है परेशान है, जितने संस्थान पिछली सरकारों ने खोले थे सारे बंद कर दिए हैं और एमएलए को जो है उनके काम ना करके उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे पुलिस को कहकर बनाए जा रहे हैं, पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है कि इनके ऊपर मुकदमे बनाए जाए। मुझे लग रहा है ये सरकार टिकने वाली नहीं है, ये 4 जून के बाद ये सरकार जाने वाली है और फिर से हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार। क्या संदेश देंगे सर इसको जानते हैं? देखिए मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि 23 साल से अरविंदा राणा हमेशा सुजानपुर की जनता के साथ सुख का दुख का साथी है। मैंने कभी पार्टी लेवल की राजनीति नहीं करी है, कोई जाति धर्म मजहब को आधार नहीं बनाया, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूं और सबकी सेवा करी है और आने वाले समय में मेरा एक लक्ष्य है कि सुजानपुर आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों को इग्नोर किया गया, हमारे काम नहीं किए गए सुजानपुर की जनता के और संस्थान बंद कर दिए, मुझे लग रहा है ऐसी सरकार नहीं चाहिए।